हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज स्टडी टेक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो लास्ट वीक में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी एंड एग्जैक्टली उसी तरह से इस वीक में मोमेंटम आया है। ठीक है, एक हैमर कैंडल बनी थी एंड उसके हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो हैमर कैंडल इनसाइड ना होके, बियरिश कैंडल में वो कैंडल इनसाइड ना होके वो एक बुलिश कैंडल हो, क्योंकि वो सपोर्ट के आसपास बनी थी वन वीक में। एंड तीन ही दिन का लास्ट दिन का मतलब तीन ही दिन का हमारे पास सेशन था लास्ट वीक में, तो उसमें दो दिन पहला साइडवाइज रह गया मार्केट, लेकिन वो साइडवाइज बुलिश ट्रेंड में रहा एंड उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, सो अभी निफ्टी बैंक का जो कैंडल है, पहले थोड़ा सा वन डे पे मैं डिस्कस करूंगी, बाद में हम वन वीक पे शिफ्ट हो जाएंगे। निफ्टी बैंक का जो वन डे है 47,200 के आसपास क्लोजिंग करने का ट्राई किया है। यहाँ पे हम नीचे आते वक्त, यहाँ पे नीचे आते वक्त हमने सपोर्ट बना लिया है एंड उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 47,466 के पास गए हैं, जहां जाके इसने एक वीक छोड़ा है, एक वीक छोड़ा है एंड थोड़ा सा कैंडल जो बुलिश कैंडल था तो वो कैंडल का जो क्लोजिंग है वापस हाफ मिल गया है। अगर आप लास्ट तीन दिन से देखोगे तो वीक छूट रहा है, वीक छूट रहा है मतलब नीचे से हम ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन सेलर का प्रेशर भी ऊपर से अच्छा खासा बन रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर भी पूरी तरीके, ऐसा नहीं है कि बायर ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव है थोड़े ही से, लेकिन सेलर भी यहाँ पे पूरा दबाव डालने की प्रेशर मतलब दबाव डालने की कोशिश तो की जा रही है। अगर यहाँ पे पिछला हाई जो देखे उसके पास हम जाने की ये लगभग कोशिश कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी का अगर नेक्स्ट का अगर टारगेट देखा जाए तो उसका टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 47,755, ये टारगेट उसका ऊपर की साइड में होना चाहिए। अभी हम कहाँ पे 47,124, लगभग 47,100 के आसपास हमारे लिए 700 से 800 पॉइंट के ऊपर की साइड में अभी भी जगह है निफ्टी बैंक के लिए। ये जो कैंडल है ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये वीक छोड़ रहा है ऊपर से, लेकिन ये नीचे से स्ट्रांग बहुत है, बायर भी स्ट्रांग बहुत है। मतलब सेलर का काम है रेजिस्टेंस के पास एक्टिव होना, सेलर का काम है रेजिस्टेंस के पास एक्टिव होना। ठीक है, एक बार मार्केट रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर लेगा, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा ना तो वहां पे बायर इतने स्ट्रांग रहेंगे कि अब की बार वो रेजिस्टेंस को निकाल दे, सेलर को यहाँ पे फेल कर दे। क्योंकि मार्केट का जब ट्रेंड रहता है ना, बुलिश वाला जब ट्रेंड रहता है, तो उसमें हमेशा याद रखो रेजिस्टेंस जो रहेंगे ना, रेजिस्टेंस ब्रेक ही होंगे, चाहे मार्केट उन रेजिस्टेंस के पास 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट कर ले एंड देन उस रेजिस्टेंस को निकाले, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को निकाले, ये चांसेस है। ठीक है, रुककर निकालेगा या कभी उस रेजिस्टेंस के पास जाकर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा एंड जब नीचे से जाएगा तो तेजी से निकालेगा। जब शेयर दो कदम जब पीछे आता है तो वो पीछे जाने के लिए नहीं आता है, छुपने के लिए नहीं आता है, और तेजी से दौड़ने के लिए आता है। मानो बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जाता है ना एंड जब वो रिवर्स करता है ना, तो वो शेयर रहता है जो दो कदम पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसको बड़ा छलांग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पुट मत सोचना, यहाँ पे ये मत सोचना कि शेयर यहाँ पे डर गया है एंड वो चलो ऐसा मानो कि जैसे वो शेयर डर गया है वो यहाँ से अभी भाग रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसके भागने पे यहाँ पे आ जाते हो एंड वो जब आता है तो आपको खा जाता है, फिर मतलब आप पुट लेके बैठते हो थोड़े से डिप में एंड उसी में आप लोगों का पैसा पूरा चला जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ट्रेंड के साइड में चलोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है गाइज। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको 10 पॉइंट भी मिलना मुश्किल है, लेकिन ट्रेंड के साथ में जाओगे, आपको बताया है ना मैंने, जब बुलिश ट्रेंड रहेगा उसमें बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, ना कि सेल ऑन राइज का। बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगा, थोड़ा सा नीचे मिलेगा, तो यहाँ पे देख लो किसी ना किसी एक डिप में देख लो, लेकिन ऊपर की साइड का ही व्यू आपका रहना चाहिए जब ट्रेंड बुलिश साइड में रहता है। हाँ, अगर प्राइस एक्शन बियरिश में कन्वर्ट होता है देन ठीक रहेगा, लेकिन आप लोगों का आदत थोड़ा सा बुरा है, आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हो, तो ये चीज ठीक नहीं है। चलो अभी पॉइंट पे आते हैं, 47,124 नीचे आए, ऊपर जा रहे थे, एक रेड कैंडल बना, बस उसके बाद वापस ग्रीन बन गया, ग्रीन बना सपोर्ट के आसपास बना, 45,666 सपोर्ट था एंड उसने एग्जैक्टली क्या लो लगा, थोड़ा सा पॉइंट के लिए इसने छोड़ा है 46,000
828 का इसने लो लगाया एंड वहीं से वो रिवर्सल हो गया, मतलब 101 पॉइंट के लिए छोड़ा है, वो कोई मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये जो कैंडल है हैमर के बाद हम लोगों को क्या चाहिए होता है बुलिश ट्रेंड में, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे। अभी ये कैंडल ने एग्जैक्टली उसी तरह से क्लोजिंग किया है। वापस जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता है ना, मार्केट का अभी नेक्स्ट वीक में हमारे पास पूरा 5 दिन है, ठीक है, गए बीते इसमें हमारे पास 3 दिन थे, मतलब 5 दिन में मोमेंटम तो होना है, इसको मोमेंटम तो करना है। फिर ये मोमेंटम किस तरह कर सकता है, पहले नीचे थोड़ा सा, उसके बाद या नीचे या तो साइडवाइज, लेकिन हम लोगों को ट्रेंड के ऊपर फोकस करना है कि नीचे हो या साइडवाइज हो, लेकिन क्या रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट की रिस्पेक्ट की जा रही है या रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की जा रही है। सपोर्ट अगर रिस्पेक्ट किए जा रहे होंगे तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली टूटने वाले है एंड मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। मान लो कुछ होता है, कुछ होता है, बैड न्यूज आती है, कुछ होता है, मार्केट गिरता है, तो मार्केट को अगर गिरना है ना तो 47,000 क्या था वो, 700 का टारगेट था ना, हाँ 47,777 इस लेवल से इसको रिवर्सल कर जाना चाहिए अगर मार्केट को गिरना है तो। लेकिन पहले इस लेवल तक मार्केट को जाना चाहिए, बैंक निफ्टी को इस लेवल तक जाना चाहिए। अगर बड़े टारगेट की बात करें आने वाले वीक में, तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो टारगेट होना चाहिए ना, मैं एग्जैक्ट टारगेट बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो ये 47,400 को निकाल ले, पहला टारगेट हम नीचे से क्या रखेंगे, 47,444 का पहला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 47,444 का रहेगा, ओके 47,444 को जब मार्केट निकालेगा तो उसके बाद का जो टारगेट रहेगा 47,888 का, 48,222 का ये टारगेट ओपन है मार्केट के लिए। 48,200 का भी टारगेट ओपन है गाइज, अगर रैली करता है तो बहुत तेजी से ये रैली कर सकता है। 48,222 का टारगेट एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके लिए ओपन है। वैसे 48,155 का ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा बफरिंग रख रही हूँ, क्योंकि मार्केट जब तेजी से ऊपर जाता है ना तो थोड़ा सा रुकता नहीं है और ऊपर चला जाता है वो, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट में अभी ओपन है जगह टारगेट के लिए, ठीक है। अगर यहां से रिवर्सल अगर होना है उसको तो 47,777 से ही रिवर्सल हो जाए, याद रखना रिवर्सल का पॉइंट रहेगा 47,777, नहीं तो ये जाने की कोशिश करेगा 48,222। इस लेवल के ऊपर रहेगा तो ये लेवल हम लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। सेलर कोशिश करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन इसने एक डिप मारकर रिवर्सल लिया है तो उसको ऊपर की साइड में जाना चाहिए, ठीक है। ये टारगेट ओपन है। अगर डाउन साइड में आता ही है, मानो कुछ होता है मार्केट डाउन साइड में आता है, तो हम लोगों के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा 46,555, तो यहाँ आने का इसका चांसेस रह सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रेंड के अगेंस्ट व्यू क्यों रखना है, ट्रेंड के साथ में चलेंगे। अगर कुछ चेंज आता है तो लाइव में मैं आपके साथ हूँ ही, ठीक है। निफ्टी जो है उस दिन ऑल टाइम हाई मारा था निफ्टी ने, ऑल टाइम हाई अगर देखते तो 22,516 पहला हाई है, 525, 516 मतलब उसी के आसपास जाकर ये एक वीक छोड़ा है, फिर से एक वीक छोड़ा है। यहाँ से तो पहले हम गिर गए थे, ऑल टाइम हाई लगा के हम गिर गए थे, अभी उसी दोबारा ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक दो दिन पॉज करे एंड देन ऊपर जाए, यह इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके हिसाब से अभी ऊपर की साइड में अगर गाइस हम देखें तो ऊपर की साइड में हमारे पास टारगेट है क्या कोई, हमारे पास तो वैसे ऊपर की साइड में कोई टारगेट नहीं है। फिर हम टारगेट कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि ऊपर की साइड के टारगेट क्या हो सकते हैं। हाँ, टारगेट कैसे निकालते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है, लेवल कैसे निकालते हैं, प्लस मैंने लास्ट कल वाले दिन भी मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दी है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो एक काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, काफी सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को वहां पे सिखाया है, ठीक है। चलो वन वीक को देखते हैं, वन वीक क्या बोल रहा है, ठीक है, वन वीक का कैंडल क्या बोल रहा है। वन वीक तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, वन वीक का कैंडल बहुत अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है इसका भी, क्योंकि नीचे जब ये भी आता है तो बुलिश ट्रेंड में ये भी जस्ट एक दो डीप मार रहा है, यहाँ पे दो डीप किए थे इसने एंड उसके बाद ऊपर गया था, ठीक है। अब जब ये हमर ऐसा कैंडल बनता है ना तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए होता है, क्योंकि इसका वीक भी बहुत ज्यादा छूट रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे सेलर एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार सेलर ने कोशिश किया, उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बन गया एंड इस वीक में भी निफ्टी ने एक अच्छा होल्डिंग वाला कैंडल बनाया जो बायर को मजबूत कर सकता है, बायर को यहाँ पे स्ट्रांग बना सकता है।
निफ्टी के लिए अगर ऊपर की साइड के टारगेट की बात करें तो निफ्टी का जो टारगेट रहेगा ना, पहले तो 22,555 का रहेगा। जिस दिन मार्केट 22,555 के ऊपर जाएगा, पहले एक दिन जाएगा 22,555, वहां से रेजिस्टेंस लेगा, वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। लेकिन याद रखना, अपना जो पिछला सपोर्ट रहेगा ना, वो ब्रेक नहीं होगा। फिर यहां से ये वापस ऊपर की जाने की कोशिश करेगा, तब ये 555 को भी निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को एक बार शेयर ले लेगा, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद वापस हुआ तेजी से उस रेजिस्टेंस को निकालेगा। अगर निफ्टी के टारगेट की बात की जाए आने वाले वीक में, निफ्टी के टारगेट की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से उसको मूवमेंट करना चाहिए 22,555 के ऊपर। जब सस्टेन करेगा तो 22,000 आने वाले टाइम में हम लोगों को निफ्टी देखने को मिल सकता है 22,888 तक, एंड उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो 23,023 ये भी हम लोगों को निफ्टी दिखा सकता है। देयर इज टू मच पॉसिबिलिटी फॉर निफ्टी ऑल्सो, ठीक है, ऊपर के साइड का, क्योंकि मार्केट ने एक डिप मराकर ऊपर गया है। इलेक्शन तब जब तक है ना, इलेक्शन जब तक चल रहे हैं तब तक मार्केट ऊपर की साइड में ही रहने वाला है, मार्केट डाउन साइड में आने वाला नहीं है। तब तक मार्केट ऊपर की साइड में ही रहने के चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा स्ट्रांग व्यू बना के रखो, कुछ नहीं। मार्केट अगर पलटता है, मार्केट अगर रिवर्सल होता है, तो उसके लिए आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं वो पूरा पैसा मार्केट में गंवाने के चांसेस रहते हैं। अपने लॉस को लिमिट लगाना चाहिए। आपके लॉस को लिमिट लगाने के लिए बहुत अच्छा चीज है ये स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस को फॉलो जरूर करें, ठीक है। हाँ, मान लो मार्केट को ऊपर जाना नहीं है तो 500 का एरिया सही है, 500 से 600 का एरिया सही है, यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है अगर उसको नीचे आना है तो, ठीक है, यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है। लेकिन चांसेस वैसे तो मुझे लेस लग रहे हैं, या तो यहाँ पे 1 वीक का कैंडल वापस एक ग्रीन बने ऑल टाइम हाई का, नहीं तो फिर ये यहाँ पे एक वीक रुक जाए एंड देन एक निकाले तो वो भी चलेगा। आने वाला वीक या उसके आने वाले वीक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले वीक में ही एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी एक ग्रीन कैंडल बनना होगा तो आप लोगों को पता है पहले एक दो दिन मार्केट या तो थोड़ा सा नीचे आता है या एंड उसके बाद सपोर्ट क्रिएट करना का काम चालू करता है, लोगों का माइंड बियरिश करता है, उसके बाद वो बुलिश में रहता है, ये इसका पॉसिबिलिटी रहता है। इस तरह से साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करने वाले लोग हैं, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जो प्राइस एक्शन बनेगा हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड बाकी मैं आपके साथ लाइव में हुई जो भी कुछ रहता है मैं आपको वहां पे अपडेट करती रहूंगी। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है ना आप लोगों को, यस जरूर से लाइक कर देना है, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सो जल्दी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, राधे राधे।